नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर में भारी वृद्धि हो गया है। बता दें कि कल गंडक नदी का सबसे हाईएस्ट जलस्तर रहा, 3,70,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होता है। ये जो पानी नेपाल का जो तराई इलाके से जो पानी आता है वो बिहार के कई जिलों में तबाही मचाता है। बता दें कि बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर होते हुए गोपालगंज सहित कई जिलों को यह प्रभावित करता है। अभी हम गंडक बराज से हैं और आप देख सकते हैं कि जो गंडक बराज से होते हुए जो नेपाल जो पानी आया है नेपाल के तराई इलाकों में बारिश के बाद इसकी काफ़ी जलस्तर में वृद्धि हो गया और जो पानी आता है तो वाल्मीकि गंडक बराज से होते हुए तो बता दें गंडक बराज के सारे 36 फाटक हैं, सारे फाटकों को खोल दिया गया है और जल संसाधन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं और कर्मी हैं पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। और बता दें जो जलस्तर में वृद्धि होने के बाद पश्चिम चंपारण के कई तटबंधों पर इसका दबाव भी बना है। बगहा शहर में भी कई जगहों पर गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद उस पर दबाव बनना शुरू हो गया है। तो पूरी तरह से अधिकारी भी जो हैं जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं पूरे तरह से अलर्ट है और अभी अचानक पानी का लेवल बढ़ा है, इसके लिए सर आप क्या तैयारी आपकी है और क्या कर रहे हैं? हमारी तैयारी 24 आवर अलर्ट हैं और रह गई बात कि बराज के लिए खास करके हमको सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर दिया गया है तो हम अपनी पूरी टीम के साथ 24 आवर नज़र बनाए हुए हैं और 2-3 बार कम से कम दिन में 2 बार रात में भी आ करके पूरे बैराज को घूम करके पैदल वो सारे को एक एक गेट पर मुआयना करते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का सीपेज है या फिर हमारा गेट जो है थोड़ा सा इधर उधर तो नहीं हो गया है, उसको बारीकी से देख करके और हम अपनी टीम के साथ 24 आवर अलर्ट हैं। और सर अप्लेक्स बांध और इस साइड की बांध कहीं कोई परेशानी नहीं? कहीं कोई कसर नहीं है। अप्लेक्स बांध, राइट बांध जहाँ पर हमारा कुछ काम भी चल रहा है वो सब सुरक्षित है और बिल्कुल हम लोग सुरक्षित हैं। क्या अभी जो लेवल है 300 समथिंग है? हाँ, 3,21,000 जो लेवल है इसका खतरा का निशान ये क्या पार कर गया है कि अभी? नहीं अभी नहीं पार किया है, अभी नॉर्मल है, अभी कोई खास ये होने का नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। स्थिति कंट्रोल? हाँ, स्थिति कंट्रोल में है, पूर्ण नियंत्रण में है और अभी किसी तरह का कोई चिंता करने की बात नहीं है। मौसम अगर नेपाल में बारिश अगर थामता नहीं है तो फिर पश्चिम चंपारण सहित कई बिहार के कई जिलों में ये गंडक और नदी की पानी तबाही मचाएगी। राकेश कुमार, सोनी, कशिश न्यूज़, बगहा।